हाँ यहाँ से ये वाली खिड़की से पूरा मंदिर दिख रहा है। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग गाइस, कैसे हो आप सभी। और सोमनाथ का आज पहला दिन है, लेकिन आफ्टरनून के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ हम कहाँ विज़िट करने गए और कितनी सारी जगह है विज़िट करने के लिए। आप लोग को बहुत सारी जगह देखने को मिलेगी विज़िट करने के लिए। और ये हमारे विंडो से दिख रहा था, होटल बहुत पास में था तो, और मंदिर का पूरा आंगन हमको दिखाई दे रहा था। और अभी चलो निकलते हैं और दोबारा से जा रहे हैं लोकल साइट सीन करने। जीजू ले गए, रुको उनको भेजो वापस। जाएंगे लंच करेंगे फिर जाएंगे बाकी की साइड। आफ्टरनून के 2 बज रहे हैं और अभी हमारा लंच का टाइम हो गया है, तो हम लंच कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ों को विज़िट करेंगे। और हम अभी जा रहे हैं सागर दर्शन होटल में, और यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है बिकॉज़ यहाँ पे एकदम सी व्यू पूरा आपको देखने को मिलेगा। और रेस्टोरेंट भी काफ़ी बड़ा काफ़ी अच्छा है, बट वही बात होती है नाम बड़े और दर्शन छोटे। होटल कैसा है, मैं वहाँ नहीं रुकी थी, मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जब हमने वहाँ का फ़ूड टेस्ट किया तो बिल्कुल भी प्राइस के अकॉर्डिंग तो फूड बिल्कुल भी नहीं था। बासी सब्जी सर्व की थी, बिल्कुल भी बहुत ज़रूरत है इनको फूड क्वालिटी में चेंजेस करने की। बिकॉज आप प्राइस लो बट फूड क्वालिटी कभी ख़राब मत दो, भले आप थोड़ा महंगा ले लो चलता है। ये मंदिर के साइड का पूरा व्यू है। बहुत से लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर। ये लोकल साइट सीन में ही आता है। इसके पीछे की एक स्टोरी है कि कृष्ण भगवान को ना एक शिकारी के हाथों तीर लग गया था उनके पैर पे, उनकी छोटी उंगली है, तो इसीलिए इसका नाम भाल का तीर पड़ा है, क्योंकि छोटी उंगली को भाल का ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं संस्कृत में। कृष्ण भगवान हो गए, अब चलते हैं आगे। गाइस आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अभी बाण गंगेश्वर। यहाँ पे ये जो शिवलिंग है वो समुद्र के बीच में स्थित है, और काफ़ी सारे ऐसे शिवलिंग है यहाँ पे, आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ का व्यू मतलब देखने के बाद तो इंसान को मन ही ना हो कि यहाँ से जाए, इतना खूबसूरत नज़ारा है। पहुँच गए हैं वीर महादेव और बाण गंगेश्वर, और ये मंदिर के ठीक पास में ही है। पहले चलते हैं नीचे, उसके बाद दिखाती हूँ। हम पहुंच गए हैं और अभी हम जाएंगे त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती देखने। ये क्या गरम मसाले, पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम, और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। यहाँ बाहर जो मसाले आपने देखे ना बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, हम लेके आए। और यहाँ पे 3 नदियों के संगम में आपको ना कुछ डिफरेंसेस दिखाई देगा, जैसे नदी के बीच में आपको कुछ ब्लैक कुछ वाइट ऐसे पट्टे जैसे, मतलब थोड़ा सा आप गौर से देखोगे ना तो आपको वो चीज़ पता चलेगी, थोड़ा सा डार्क। मुझे भी पहले पता नहीं चला था, फिर जब अच्छे से हमने नोटिस किया तो हमें लगा कि हाँ कुछ तो है, ऐसा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा कलर वाइज। तुम लोग पहले खिला लो फिर मैं। वो क्या है
फिश है, फिश है। अच्छा फिश इधर है, कितने सारे तो है। कौन सी फिश है? हाँ वो देखो हो गई। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये डार्क एक देखो सेट सेट में दिख रहा है ना नदी में। अभी हमने देखा त्रिवेणी संगम और बाबू बाबू की शरारतें। अब गर्मी के मारे हालत खराब हो गई है। अभी पहुंच रहे हैं गीता मंदिर। किसी भी जगह को घूमने के लिए सबसे बेस्ट टाइम विंटर ही होता है, पर विंटर तक का वेट कौन करेगा यार। जब मौका मिलता है चलो और जाके आओ, घूम के आओ, दर्शन करके आओ। और अभी पहुंच गए हैं गीता मंदिर। एंड गीता मंदिर में इस वक्त लग रहा है पोछा, बट हम अभी अंदर नहीं जाएंगे, 5-10 मिनट बाद अंदर जाएंगे। गीता मंदिर के आसपास ना बहुत सारे मंदिर थे, जिसमें बहुत शिव जी के मंदिर, विष्णु भगवान के मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर थे। तो सब जगह हमने विजिट किया, थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर दर्शन करने के बाद निकले। यहाँ पे कृष्ण जी की पादुका बनाई गई है। और मंदिर के पास क्यूट क्यूट सी दो बिल्लियाँ मिल गई, इनको देख के बच्चे बहुत खुश हो गए। मतलब घूमना तो सही है, बट बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब गर्मी होती है, स्वेटिंग होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं वो भी। और इस वाले मंदिर में तो भगवान विष्णु के सारे अवतार, मतलब 24 अवतार बताए गए हैं। हर अवतार के बारे में यहाँ पे एक एक फ़ोटो, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन एकदम अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ था। मतलब कोई पढ़ना चाहे ना तो वो एक 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 आराम से बैठ के, जिसके पास बहुत अच्छे से वो टाइम निकाल के अगर आया है, जैसे एक दिन का विजिट नहीं है जिसका, वो आराम से बैठ के पढ़ सकता है। मैंने इसके लिए सारे वीडियोज़ में ही इनको कैप्चर कर लिया कि कभी अगर देखना है पढ़ना है तो हम ले सकते हैं। पहली बार पता चला कि भगवान विष्णु के 24 अवतार थे, हमने तो सिर्फ 10 ही सुने थे। मतलब पता ही नहीं था कि इतना कुछ है, बहुत डिटेल में सब कुछ किया वहाँ पे बताया गया था। और अभी हम एंटर होने वाले हैं बलराम गुफा में। यहाँ पे बलराम जी की मूर्ति और उनका एक छोटा सा टेंपल है। गाइस आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है शंकराचार्य मंदिर, और ठीक बाजू में जिस रास्ते पे हम अभी जा रहे हैं वहां पे है सूर्य मंदिर। 25 से 30 जितने सीढ़ियों को चढ़ने के बाद सूर्य भगवान का मंदिर आता है, और मंदिर के आगे ही है पांडव की गुफा। गुफा के नीचे थोड़ा सा पानी है और यहाँ पे हिंगलाज माता की का मंदिर। यही हिंगलाज माता का मंदिर जो शक्तिपीठ यहाँ नहीं पाकिस्तान में है, जहाँ पे हम लोग कोई जा नहीं सकता। और ये सूर्य मंदिर, आपको इतने सारे मंदिर एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे है पांडव गुफा और इस गुफा के नीचे भी कई लोग जा रहे थे, बट हमारे साथ बच्चे थे तो हम नहीं गए। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए और अभी हम चलते हैं हिंगलाज माता की गुफा में। गाइस गुफा बहुत छोटी सी थी और अंदर एकदम अंदर जाके माता का मंदिर था। यहाँ पर ना हिंगलाज देवी माता का मंदिर बना है और एकदम पतली सी गुफा है। हम अभी इसमें गए थे, इतनी पतली सी गुफा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत बढ़िया सा मंदिर है। सारे मंदिरों को कवर करने के बाद अब बारी आती है श्री राम मंदिर की, जो कि
मंदिर के, सोमनाथ मंदिर के बहुत पास में था, अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर ही था, बाकी सारी जगह थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस पे थी। अब चलते हैं यहाँ और फिर करते हैं दर्शन। चलो गाइस, तो राम मंदिर पहुँच गए हैं, यहाँ पे अभी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। बस अब शाम के 5 से भी ज्यादा होने वाले राम मंदिर से निकलने के बाद बारी आती है द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिप, जो कि है हमारी चौपाटी। यानी चौपाटी मतलब वो आइसक्रीम वाली चौपाटी नहीं है, अब हम जा रहे हैं चौपाटी पे। और यहाँ रास्ते में यार कितने अच्छे अच्छे टॉयज, डमरू, बहुत सारा कुछ मिल रहा था। मन को ना भटकाते हुए पहले चलते हैं चौपाटी पे, वरना शाम को 7 बजे के बाद समुद्र के किनारे जाना बंद हो जाता है, तो अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 रुपए की टिकट थी, और चलते हैं अब अंदर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एकदम मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइस, यहाँ का व्यू देखो आप, मतलब यहाँ एंटर होने के बाद तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, इतना अच्छा लगता है, इतनी तेज हवा और इतना सुंदर समुद्र की आवाज़, बहुत ही कमाल का, मतलब कमाल का लग रहा होता है, इतना इतना पॉजिटिव लग रहा होता है उस वक्त। बच्चों को कैरी करके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस और कुछ नहीं, बाकी मजा। सुना 7 बजे के बाद समंदर पे आने नहीं देंगे। ओ तूने फिर नीचे फेंक दिया, बदमाश लड़का, ठीक से। सुंदर लग रहा है रात को भी, और ये क्या चौपाटी बनाई है, और रात को बिल्कुल भी उस तरफ ना, रोड के उस तरफ नहीं जाने देते, सारी पुलिस यहाँ पे खड़ी रहती है। बस यहाँ पे बहुत अच्छी सी चौपाटी है, और आराम से यहाँ पे 8-9 बजे तक इंसान घूम सकता है। वैसे एग्जैक्ट मुझे टाइमिंग का पता नहीं है, लेकिन 8:30 बजे तक तो है। देखो महाआरती चल रही है यहाँ पर भोले बाबा की, और ये हम लोग यहाँ पे दीवार के इस तरफ। कितने टाइम के बाद प्लान बनाया था और फाइनली दर्शन दर्शन किए, बहुत अच्छे से तुरंत दिन बहुत अच्छे से गया, और अभी रात को समुद्र के किनारे पर व्यू देखो। और गाइस, व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ये रात का नज़ारा, वाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।